गाइस वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके इस खास ट्वीट के बारे में और स्पेशली बात करेंगे उत्तराखंड SI भर्ती के बारे में कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है और कैसी इसमें जो है आगे की जो है कंडीशन है, तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम सबसे पहले हम इस ट्वीट की बात करेंगे जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त युवा समृद्ध प्रदेश के तहत 1521 सिपाहियों और 197 SIs की भर्ती का जो है ऐलान किया था, जिसमें से आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में सिपाही की 101521 पदों के सापेक्ष 1520 पदों पर जो है फाइनल रिजल्ट आ गए हैं और ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन बात यहां पर दरोगा भर्ती को लेकर हो रही है जो कि अटका हुआ है मामला। कहां अटका हुआ है, सीधे हम चलते हैं आयोग के इस अधियाचन की तरफ। जी हां, आयोग के इस अधियाचन के तरफ चलते हैं जहां पर आप देख सकते हैं ये नंबर 2 पे गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुलनायक पुरुष PAC IRB यहां पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक योग्यता और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिकता इंटरमीडिएट। तो यहां पर दो एक बड़ी खबर है, पहला कि आपके लिए जो योग्यता है वो स्नातक होगी यानी वे आपका BA BSc BCOM जो भी आप हैं आपके वो स्नातक होगी। दूसरी बात, अगर आप पूर्व सैनिक हैं इसमें अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट होगी। अब जो बड़ी खबर आ रही है कि ये अधियाचन लोक सेवा आयोग के पास आया था लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसको लौटा दिया है। हमने कई बार मेल के माध्यम से भी आयोग से कांटेक्ट किया तो वो लगातार वो कहते थे कि वेबसाइट विजिट करिए, बट एक RTI के माध्यम से ये पता चला है कि लोक सेवा आयोग को ये अधियाचन आया था जिसे लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया है। जी हाँ, सबसे बड़ा जो इसमें खामियां हैं वो है सेवा नियमावली को लेकर हुई है। उसके बाद जो है आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि दिव्यांगजन की भर्ती को लेकर भी तमाम जो पद खाली हैं उत्तराखंड के तमाम अलग अलग विभागों में उसको लेकर भी ये अध्याचन वापस हुआ था। फिलहाल कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी और हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि दिव्यांगजन के सभी काउंटिंग पूरे उत्तराखंड में जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी कर ली गई है और शासन के द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये लेटर भी लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है शासन स्तर पर भी। अब जो है इस पर अध्याचन वापस शासन से आ सकता है। लेकिन एक और जो मामला इसमें सबसे ज़्यादा फंस रहा है, पूरा डिटेल इस बारे में वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सिलेबस के बारे में भी एक महत्वपूर्ण सूचना जो है आई हुई है वो ये है कि अधियाचन में सेवा नियमावली में कमियां पाई गई हैं जिसके तहत उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होने वाली है। याद हो आपको एक बीच खबर आई थी कि कैबिनेट में ये जो है सहमति ही नहीं बन पा रही कि 50% पर जो है डेपुटेशन से भरे जाएंगे, 50% पर डायरेक्ट जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, इसको लेकर भी तमाम अभी उथल पुथल चल रही है। ठीक है, वो यहाँ पर डिसाइड होना है। उसके अलावा पहले रिटर्न होगा बाद में फिजिकल होगा, ये जो है उत्तराखंड DGP सर जो है उन्होंने भी क्लियर की है क्योंकि लोक सेवा आयोग के जो इसमें नियमावली था उसमें ये था कि पहले जो है लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पर फिजिकल कराएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई साहब हम इस पर जो है फिजिकल नहीं करा सकते क्योंकि काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट भरने वाले हैं, इसीलिए पहले यहाँ पर रिटर्न होगा उसके बाद यहाँ पर जो है फिजिकल होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर रिटर्न होगा और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल होगा क्योंकि रिटर्न होने के बाद लगभग कुछ परसेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट डाउन कम हो जाएंगे जिसकी वजह से आसानी से फिजिकल लिया जा सकता है। तो पहला बात यह है। दूसरी बात, सिलेबस को लेकर यहाँ पर काफ़ी माथापच्ची हो रही है। जैसे कि आपको पता है जब लोक से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आया था तब वहाँ पर 100 नंबर का किया गया जिसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, काफ़ी अभ्यर्थी कोर्ट भी गए थे। हालांकि किसी भी आप स्टेट का सिलेबस उठा लो दरोगा का 100 नंबर का नहीं होता, उस पर तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो होगा कैबिनेट में डिसीजन होगा हुआ है, लगभग ये लोक सेवा आयोग ने भी काफी हिंट दे दिए हैं सिलेबस चेंज को लेकर, 300 नंबर का होगा। लेकिन 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 यहां पर एक थोड़ा सा जो है ट्विस्ट ये है कि लोक सेवा आयोग ये और जिके एक्सपर्ट के द्वारा जो तमाम अंदर से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सिलेबस
तो वही होगा ठीक है, जो उत्तराखंड जो 100 नंबर के सिलेबस में होता था आपका उत्तराखंड जीके तमाम जनरल नॉलेज इस तरह से, लेकिन उसको मैक्सिमाइज करके 300 मार्क्स का किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं पुख्ता, अभी कोई भी सॉलिड इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन इतना ये है कि 300 नंबर का होगा और इस तरह की आयोग जो है इस पर विचार कर रहा है कि 300 नंबर, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा जो कैंडिडेट होते हैं लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं और जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भी करते हैं, तो लगभग लगभग सिलेबस में समानता है और लेकिन लोक सेवा आयोग का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस है इसके मुकाबले लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुकाबले। तो इस तरह से यहाँ पर आयोग विचार कर रहा है, अब ये देखना है क्या होता है, लेकिन सबसे पहले कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है। अगर कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हो जाती है तब आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको और भी निकाल के मैं ले आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।